बैगा आदिवासियों के लिए अनेक योजनाएं तो चलाई जाती हैं, लेकिन स्थानीय अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से इन तमाम योजनाओं को लाभ कभी भी इन बैगाओं तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता। यही वजह है कि आज भी इनकी स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। ऐसा ही एक मामला कवर्धा पंडरिया ब्लॉक के सुदूर वनांचल पंचायत भेलकी के आश्रित ग्राम देवान पटपर का बताया जाता है। यहाँ के 14 बैगा आदिवासी परिवारों को 4 महीने से राशन नहीं मिला है। ऐसे में यह ग्रामीण कोदू कुटकी खाकर अपना पेट भर रहे हैं। 5 महीना हमला होते है, कीमत में हमारे जाके खत्म। अच्छा, हमारे घर द्वार में का महीना कुछ नहीं है। तो काबर नहीं मिले थे राशन है? कहा जाने भाई, कैसे माने कैसे मैं चुप गए। वो बार हरम और हम 2 बार ये 3 बार हो गए हमला। हम राशन नहीं मिले थे, कुछ रुपया है। कते दिन हुए राशन नहीं मिले थे? 5 महीने गए। अभी जो है पुराना राशन कार्ड रही से वो में इन्हें राशन मिलत रही है। पूरे 15 साल तक इन चावल मिली। अभी जिसे नवीनीकरण हुई से वहाँ से इनका नाम जो है कार्ड है छूट गई से। अच्छा, और इन्हें इतना परेशानी है, सरपंच सचिव के पास भी जाता था, वो आज तक कोई प्रकार के ध्यान नहीं देते हैं। कलेक्टर हमारे 2 बार हो गए आवत यहाँ समस्या लेके, लेकिन कोई हमारे लिए शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या है राशन कार्ड नवीनीकरण के समय क्या है, सरपंच सचिव के द्वारा इनका नवीनीकरण नहीं किया गया था, इसके वजह से खाद्यान्न नहीं मिला। 2 माह से चावल मिल रहा था, लेकिन इनको नवीनीकरण का आवेदन अभी बंद हो गया है। नया राशन कार्ड जारी किया जाना है, तो इसके लिए 14 बैगाओं का नया राशन कार्ड जारी करवाया जा रहा है। विक्रेता को निर्देशित किया कि तत्काल इनको सभी हितग्राहियों को 35-35 किलो का खाद्य